नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजित गोस्वामी, आप देख रहे हैं जी स्मार्ट केयर। दोस्तों आज लेके आए बायोप्रोन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे दोस्तों आपको पूरा जानकारी मिल सके। कैसे दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है, क्या इसका बेनिफिट है, इसका कोई नुकसान भी है, तो पूरा जानकारी लेने के लिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो ये है दोस्तों बायोप्रोन टैबलेट, लिफोर्ड कंपनी दोस्तों इसको मैन्युफैक्चर करती है, और ये पूरा बायोप्रोन टैबलेट का बॉक्स है। तो हम दोस्तों खोल के देख लेते किस टाइप का टैबलेट रहता है। तो दोस्तों इस टाइप का ये टैबलेट रहता है पूरे बॉक्स में। अब हम दोस्तों एक स्ट्रिप निकालेंगे, स्ट्रिप की दोस्तों एमआरपी हम बता देते हैं आपको। सिर्फ दोस्तों 10 टैबलेट की एमआरपी है सिर्फ 16 रुपये। दोस्तों 16 रुपये के हिसाब से इसका जो बेनिफिट है दोस्तों बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब कंपोजिशन है दोस्तों साइप्रोपटाडिन, लिफोर्ड कंपनी बनाता है बायोप्रोन टैबलेट, इसकी बायोप्रोन सिरप है। मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है दोस्तों, अगर बायोप्रोन सिरप का वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और लास्ट में भी आपको शो करेगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप दे सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो साइप्रोपटाडिन टैबलेट लेने से दोस्तों आपको भूख अच्छी लगती है। अगर आपका खाना आपकी बॉडी को नहीं लग रहा है दोस्तों तो अच्छे से आपकी बॉडी को खाना लगेगा। अगर आप दुबले पतले हो तो आप अच्छे से मोटे हो जाओगे, और आपकी बॉडी एकदम मीडियम रेंज में रहेगी दोस्तों, आप अच्छा दिखोगे, ठीक है। एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं होगे, एकदम दुबले पतले नहीं होगे, अच्छा हेल्थी बॉडी बनाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको भूख नहीं लग रही दोस्तों, खाना आपकी बॉडी को बिल्कुल नहीं लगता, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। आपका खाना जितना भी आप खाओगे अच्छे से खाना हजम भी होगा। तो इस तरह दोस्तों इस्तेमाल करना है तो आपको बता देता हूँ, आप इवनिंग मॉर्निंग दोस्तों खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको लेना है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कभी भी साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, कभी भी इसको डेली रूटीन डेली हैबिट मत बनाइए, इसको सिर्फ 1 से 2 महीने यूज़ कीजिए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए फिर आप इसको छोड़ना है। लेकिन छोड़ने से हमें दोस्तों ध्यान रखना है, ध्यान दोस्तों ये चीज़ रखना है कि कभी भी एकदम से नहीं छोड़ना है, वरना आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। छोड़ना कैसे दोस्तों, एक टैबलेट आप सुबह इवनिंग मॉर्निंग ले रहे हो तो दिन में एक ही टैबलेट लेना है, कोई भी एक टाइम लेना है। फिर क्या करना है दोस्तों, एक हफ्ते तक एक टैबलेट लेना है, फिर अगले हफ्ते दोस्तों एक दिन छोड़ के एक टैबलेट लेनी है, फिर अगले हफ्ते दोस्तों धीरे धीरे करके बिल्कुल छोड़ देनी है। इस तरह दोस्तों छोड़ना है, और साथ कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल आप चला सकते हो साथ में, तो आपको दोस्तों ये आपकी बॉडी को रिकवरी देता रहेगा, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको छोड़ने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी को रेगुलर लेवल पे रखेगा मल्टीविटामिन कैप्सूल। तो उसको भी मल्टीविटामिन कैप्सूल उसको छोड़ने के बाद 1-2 महीने चलाइए, फिर उसको भी छोड़ देना। तो इस तरह दोस्तों आपको छोड़ना है तो आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, और आपकी हेल्थ अच्छी बने रहेगी, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।